गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, और उसी टॉपिक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, ये आपकी रिंग है जो कि चार्ज है, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली, पूरी रिंग पे चार्ज ऐसे फैला दिया गया। ये इसके सेंटर से डिस्टेंस एक्स, जिसे हम कहते हैं रिंग का एक्सिस, और यहां किसी पॉइंट पे हमसे इंटेंसिटी पूछी जा रही है और पोटेंशियल पूछा जा रहा है। इंटेंसिटी का रिजल्ट बच्चों ने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझ लिया था, कंपोनेंट्स वगैरह बना के सीधा कॉन्सेप्ट देखा था। तो रिजल्ट आ रहा था E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इस रिजल्ट से बच्चों ने जो रिजल्ट निकाले थे उनका रिकैप एक बार करवा देते हैं कि जब एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी एट द सेंटर, इंटेंसिटी एट द सेंटर बिकम जीरो। नंबर टू, जब एक्स आर से काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो ई रिजल्ट आ गया था के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि ये बिहेव करने लगी तो रिंग एज अ पॉइंट चार्ज, जैसे कि सारा चार्ज एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। तीसरी बात, जब एक्स बहुत बहुत ज्यादा हो गया यानी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो जाहिर सी बात है इस रिजल्ट को आगे एक्सटेंड कर दो कि जब ये इनफाइनाइट चला गया इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। बाहर वो जो आंधी पानी शुरू हो गया, हो सकता है अभी लाइट चली जाए, थोड़ा सा पावर बैकअप का भी थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर, तो इट मे बी कि वीडियो ऑफ हो जाए, तो कोई बात नहीं, जब तक तो चल रहा चला रहे, ठीक है। पावर बैकअप भी और सही करना है, शॉप सारी बंद है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो एट द इनफाइनाइट डेंसिटी कितनी है, जीरो, ठीक है। अब इसी में देखा गया कि सेंटर पे जीरो है, इनफाइनाइट पे जीरो है, तो ऐसा भी तो कोई पॉइंट होगा जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए हमने निकाला था कि एक्स किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ई मैक्सिमम है। तो हमने समझा था कि इसको अगर हम डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दें, यानी इफ वी वॉन्ट टू फाइंड एक्स वैल्यू ऑफ एक्स वेयर ई इज मैक्सिमम, तो हमने डीई बाई डी एक्स को जीरो करा था, डिफरेंशिएशन पूरा देखा था, और हमें रिजल्ट मिला था कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू। प्लस माइनस का मतलब इस तरफ गए तो प्लस आर बाय रूट टू, इस तरफ गए तो माइनस आर बाय रूट टू, यानी कि आर बाय रूट टू वो पोजिशन जहां पे इंटेंसिटी ऑफ अ रिंग इज मैक्सिमम, ठीक है। इतने रिजल्ट हमने पिछले क्लास में देख लिए थे अबाउट द इंटेंसिटी, ठीक है ना, ये आपके पास ऑलरेडी है। अब इसी पॉइंट पे जहां पे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इसी पॉइंट पे हमको देखना है बच्चों पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी यानी पोटेंशियल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, पोटेंशियल क्योंकि स्केलर है तो उसके लिए हमें कोई कंपोनेंट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो पोटेंशियल अगर हमें निकालना है, वी निकालना है, तो पोटेंशियल के लिए क्या करोगे, थोड़ा सा डिटेल देख लो, बहुत ही आसान सा रिजल्ट है। छोटा सा चार्ज डी क्यू, इसके छोटा सा पोटेंशियल डी वी, तो किसी भी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस के पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कहोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू की जगह डी क्यू बाय आर स्क्वायर नहीं सॉरी के क्यू बाय आर, तो आर लिख दिया। अब यहाँ पे हमने कहा कि डी क्यू है, हाँ ठीक है, उसका पोटेंशियल डी वी है, तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा, इंटीग्रेट कर दो। क्या ऐसा इनवर्ड आउटवर्ड कुछ बनाना है, कह दोगे नहीं, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर होता है। तो डी वी इक्वल टू आ गया वी के क्यू बाय आर, डी क्यू का हो गया क्यू। तुमको सर तो बहुत आसान था, तो जाहिर सी बात आसान तो है ही, तो आर की जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे, आर की जगह रिप्लेस कर दोगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ये स्मॉल आर एक्स है, ये कैपिटल आर रेडियस हो गया, तो जाहिर सी बात है आर इज इक्वल टू क्या बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 पे यहाँ रिप्लेस कर दो, तो पोटेंशियल रिजल्ट बन गया के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। दिस इज द रिजल्ट फॉर द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, सिंपल।
तो अब इसमें तुम्हें जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो आराम से दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स नहीं है, ऊपर एक्स नहीं नीचे एक्स है, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट नंबर वन, एट द सेंटर क्या होगा, एक्स बराबर जीरो, ठीक है। और तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि एक्स के ये इनवर्सली है, तो जाहिर सी बात है एट द सेंटर अगर एक्स जीरो कर दोगे तो पोटेंशियल सेंटर पे क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। तो यानी हमें यहाँ इस बात की कोई चिंता नहीं करनी कि पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ होता है, तो पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द रिंग, क्योंकि एक्स को जैसे जीरो पुट करोगे आर स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, आर। तो सेंटर पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय कैपिटल आर, जबकि सेंटर पे इंटेंसिटी क्या थी, जीरो थी। हाँ सही बात है। और नंबर टू क्या हुआ कि जब x इज मच मच ग्रेटर देन r, नॉट इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल इज व्हाट, ये बहुत ज्यादा है, इसको नेगलेक्ट कर दो, क्या जाएगा के क्यू बाय एक्स। तो यहां भी कैसे बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज, एज अ पॉइंट चार्ज। और फिर वही आखिरी पॉइंट कौन सा, इसमें तीन ही पॉइंट बने कि अगर हम x को बहुत बहुत ज्यादा कर दें x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो जाहिर सी बात है एनीथिंग डिवाइड बाय इनफाइनाइट यू विल गेट पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो। तो जाहिर सी बात है क्या समझ गए कि यहाँ पे पोटेंशियल सेंटर पे मैक्सिमम है और इनफाइनाइट पे जीरो है, जबकि इंटेंसिटी सेंटर पे भी जीरो है और इनफाइनाइट पे भी जीरो है। इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है आर बाय रूट टू पर। तो तीनों रिजल्ट बच्चों लिख डालिए फटाफट। ठीक बच्चों, तो ये रिजल्ट आ गया पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। अब इनके एप्लीकेशन देख लो बच्चों कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में, देन वी विल मूव अप टू द टॉपिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा बीच में, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन है, इफ आर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर
is given a charge capital Q distributed uniformly. ठीक, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. इफ अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, तो देखो बच्चों जब कोई साइन नहीं लिखा होता चार्ज के सामने, दोनों को हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे. ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. इफ अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज एट अ डिस्टेंस आर रूट थ्री फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक, वो चार्ज स्मॉल क्यू एक्सिस से आर रूट थ्री डिस्टेंस पर है, व्हाट मिनिमम वेलोसिटी मस्ट बी गिवन to this charge small q so that it just reaches the center of the ring. Take mass, of small q to be small m. ठीक, क्वेश्चन को लिख लीजिए, ट्राई करना चाहिए ट्राई करिए, सिंपल क्वेश्चन है. और इसका हिंट ये बच्चों कि अगर आप थोड़ा सा स्केल वेलोसिटी रिवाइज कर लें, उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है. सिंपल, यू हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल. ठीक है, कैसे करेंगे उसको आप ही सोचिए. देखो सिचुएशन क्या दी गई है और हमें क्या करना है. ठीक, लेट्स सी. चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द रिंग. ये पूरे में चार जैसे फैला हुआ, यहां पर एट अ डिस्टेंस एक्स आर रूट थ्री पे कोई दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू, ये भी पॉजिटिव और रेडियस से कैपिटल. नाउ हाउ मच
वेलोसिटी यानी मिनिमम वेलोसिटी कितनी दी जाए जिससे कि ये जस्ट सेंटर पे पहुंच जाए। तो इसको सेंटर पे पहुंचाने के लिए वेलोसिटी देनी क्यों पड़ रही, पहला सवाल ये। इसलिए देनी पड़ रही बच्चों क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है और ये रिंग भी पॉजिटिव है, तो इसको यहां से मिल रहा होगा रिपल्शन, यानी कि इसको आगे बढ़ना है तो इसे कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इसको खींच के ले जाना पड़ेगा, अपने आप ही आगे नहीं जाने वाला। हाँ, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये अपने आप खींच जाता, हमें वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, तो याद रखो बच्चों ये इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा और उसे हम कहेंगे SHM के पार्ट में पढ़ेंगे, वो भी क्वेश्चन आया हुआ IIT। फिलहाल पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने यहाँ से वेलोसिटी देनी है, वेलोसिटी दी तो कितनी वेलोसिटी दें कि ये सेंटर पे बस पहुंच जाए, ऐसा नहीं कि ये वेलोसिटी इतनी ज्यादा दे दें कि सेंटर को पार करके आगे निकल जाए, बस यहाँ पे विराजमान हो जाए, जस्ट ये आराम से यहाँ पहुंच जाए। तो इतनी वेलोसिटी जिससे यहाँ पर पहुंच जाए उसकी वैल्यू बतानी है। तो हमें मालूम है जो एक कॉन्सेप्ट हम बार बार यूज करते हैं वो है फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो पॉइंट्स की टोटल एनर्जी दो पॉइंट की रिमेन कांस्टेंट, या एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। करेक्ट। तो टोटल एनर्जी कहां पर, एक्सिस पर, ये चार्ज कहां पहुंच जाए, सेंटर पर। तो टोटल एनर्जी कहां की, सेंटर। ये दोनों एनर्जी क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो जब टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब तुमने यहां से चार्ज को प्रोजेक्ट किया तो वेलोसिटी दी थी, हाँ दी थी, तो वेलोसिटी दी थी तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और जब पॉइंट यहां पर है तो ये कहां पर है, अभी एक्सिस पर है। क्या यहाँ पर पोटेंशियल है, यस यहाँ पोटेंशियल है। तो बच्चों याद रखो कि एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था, एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू इन अ पोटेंशियल वी, ये जो कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से एनर्जी रिजल्ट क्या लिखा था बच्चों ने, क्यू इंटू वी। आप याद रखिएगा, आपको याद होगा हमने कहा था ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये टू चार्ज सिस्टम हो चाहे मोर देन टू चार्ज सिस्टम हो, सबके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी एक्सिस पर, तो यहाँ पे तुम क्या कहाँ पर हो, एक्सिस पर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू वी एक्सिस, ये क्या हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये कहाँ की बात हो रही है, जब आप एक्सिस पर हैं, करेक्ट, बात समझ में आ रही है। क्यू वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस दिस इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। जब आप सेंटर पहुंच गए तो पोटेंशियल कितनी होगी, क्यू वी एट द सेंटर। क्या सेंटर में पोटेंशियल जीरो है, नहीं, सेंटर पोटेंशियल नहीं जीरो, इंटेंसिटी जीरो। जब तुम यहां पहुंच गए, चार्ज यहां पहुंच गया, तो क्या यहां चार्ज वेलोसिटी होनी चाहिए, तो कहा गया नहीं, क्योंकि हमने मिनिमम वेलोसिटी दी जिससे कि चार्ज जस्ट यहां पहुंच जाए, यानी वेलोसिटी होना, यहां वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, जस्ट ये जाए और यहां पे आकर के एकदम रुक जाए, इसके आगे ना निकले ना इसके पहले रुके, यहीं पे जाकर रुके, तो यहां वेलोसिटी कितनी, जीरो, इसलिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो सेंटर पे देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक नहीं है, लेकिन एक्सिस से पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। अच्छा, हमें निकालना क्या, हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो इसको उधर ले आओ, क्या लिखा हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी एट द सेंटर माइनस क्यू वी एट द एक्सिस, उधर जाकर नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। हाफ एम वी स्क्वायर क्यू आप बाहर निकाल लीजिए, सेंटर ऑफ द रिंग पोटेंशियल फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला था के क्यू बाय आर, कहां पे, सेंटर पे पूछ रहा हूं, एक्सिस पे नहीं, और एक्सिस पे फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। क्या एक्स की वैल्यू आपको मालूम है, यस सर एक्स की वैल्यू मालूम है, आर रूट थ्री है, तो क्या यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व फिर क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। इतना नोट कर लो बच्चों और इसके आगे सॉल्व करना चाहो कर भी सकते हो।
इतना नोट कर लो, उसको जगह नहीं ना, कल को उसको आगे सॉल्व कर लो। इसको यहाँ लिखो, हाफ एम वी स्क्वायर क्यू एक्स पुट किया आर रूट थ्री, के क्यू कॉमन निकाल लो, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स। क्या लिखो बच्चों, एक्स स्क्वायर है आर रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, विल बिकम थ्री आर स्क्वायर। तो जहां एक्स स्क्वायर लिखा है वहां क्या लिखोगे, थ्री आर स्क्वायर, और इसका क्या लिखा हुआ वन बाय टू है ना, तो क्या बन गया, हाफ इंटर मल्टीप्लाई करना चाहो करो, क्या आ जाएगा टू के क्यू क्यू अपॉन एम, ऊपर चला गया एम नीचे, वन अपॉन आर माइनस थ्री आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो गया बच्चों फोर आर स्क्वायर का रूट कितना हो गया, फोर आर स्क्वायर का इट विल बिकम वन अपॉन टू आर, वन माइनस हाफ बचेगा हाफ, टू के क्यू क्यू बाय एम इन टू क्या बचा वन अपॉन टू आर, एज अ रिजल्ट टू और टू कैंसिल हो गए। क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू k क्यू क्यू अपॉन m r। व्हाट इज वेलोसिटी, फाइनली वेलोसिटी क्या मिल गई, वेलोसिटी आंसर हमारा आ गया अंडर रूट k क्यू क्यू अपॉन m। ये आ गया हमारा, कितनी मिनिमम वेलोसिटी दोगे तो चार्ज यहां से जस्ट यहां तक पहुंच जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, सिंपल, कई बार इसको यूज करेंगे कंजर्वेशन एनर्जी प्रिंसिपल।
एग्जाम्पल और देते हैं। इफ आर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन अ चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म। इफ अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एंड इट इज फ्री टू मूव। ये पॉइंट चार्ज एक्सिस पर रख दिया गया और ये पॉइंट चार्ज मूव करने के फ्री, पॉइंट चार्ज फ्री टू मूव। What will be the nature of motion of this charge? ठीक, इसमें ऑप्शन इस तरह से दिए गए थे, ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। सेकेंड ऑप्शन ऑसिलेटरी एंड SHM। SHM बट नॉट ऑसिलेटरी। फोर्थ, Neither SHM nor oscillator। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन का बच्चों फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट यहां की जगह यहां लगाया, फर्स्ट पार्ट यही। ठीक, क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ अ रिंग ऑफ रेडियस R इज गिवन a charge capital Q distributed uniformly, if a point charge minus Q is placed on the axis of the ring and it is free to move, what will be the nature of motion of this charge? ठीक है, वो free है चलने के लिए, axis पे चल सकता है, तो nature of motion कैसा होगा? A option oscillatory but not SHM, second option oscillatory and SHM, third SHM but not oscillatory, और चौथा कह रहा है नाइदर SHM नॉर ऑसिलेटरी, इनमें से कोई भी मोशन का नेचर नहीं है। तो क्या होगा भाई, देखा जाए समझा जाए। ठीक है, तो पहली बात यह है कि जब इतनी टेक्निकल बात पूछ रहा है बार बार कि ऑसिलेटरी होगा SHM नहीं होगा, SHM नहीं होगा ऑसिलेटरी होगा, तो पहले हमारे दिमाग में ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटरी, व्हाट डू यू मीन बाय SHM, हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑसिलेटरी एंड SHM, उनमें हम डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, है ना? तो पहले तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। जब ये क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन के साथ अपना कॉन्सेप्ट हम मर्ज करके आराम से समझ लेंगे। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड अ ब्रीफ रिव्यू अबाउट ऑसिलेटरी एंड SHM। कब हम किसी मोशन को SHM कहते हैं, कब नहीं कहते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखो होपफुली क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। To and fro or back and forth motion under some
रीस्टोरिंग फोर्स इन अ लीनियर पाथ इज कॉल्ड एज एन ऑसिलेटरी मोशन। मतलब कोई भी मोशन टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे होने वाला मोशन इस प्रकार से, ऐसा कोई मोशन आगे पीछे कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे समझ, जैसे स्प्रिंग पेंडुलम में ये जो ब्लॉक है ये खींचने पे नीचे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऊपर निकल जाएगा, बिकॉज स्प्रिंग इसको वापस खींचती रहती है अपनी रिस्टिंग फोर्स के एक्स से। तो एनी टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन अंडर सम रीस्टोरिंग फोर्स इन अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर पाथ इज कॉल्ड एज एन ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अंडरलाइन करने वाली बात क्या बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि इस मोशन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना कंपल्सरी है। रीस्टोरिंग का मतलब जो अपनी पोजिशन पे, यानी यहां से इसने स्टार्ट किया था तो जहां से स्टार्ट किया उसे कहते हैं मीन पोजिशन, जहां तक ये मैक्सिमम चला गया उसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजिशन, या इधर गया मैक्सिमम तो इसे कहते हैं माइनस एक्सट्रीम पोजिशन। तो हमेशा जा रहा इधर, इसको फोर्स लगाया जा रहा इस तरफ, जा रहा इधर फोर्स लग रहा इधर, तो ये जो फोर्स लग रहा बच्चों इसी को कहते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन अंडर सम रीस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड एज एन ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये बात रखना। अब व्हाट इज एसएचएम, तो याद रखो इफ कंडीशन, याद रखना इफ द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, अगर ऐसा है, और जाहिर सी बात डायरेक्शन तो अपोजिट होता ही है, तो माइनस साइन लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसा है, इफ द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग इज लाइक दिस, देन, अब समझना ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, देन दैट ऑसिलेटरी मोशन, देन दैट ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी SHM। बात समझ में आ रही होपफुली। वो ऑसिलेटरी मोशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन अपोजिट है, वो ऑसिलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो फिर से सुनो रिकैप में, जो भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में या बैक एंड फोर्थ किसी रीस्टोरिंग फोर्स में हो रहा है वो ऑसिलेटरी है, वो तो ऑसिलेटरी है, काम खत्म। अब अगर वो ऑसिलेटरी मोशन पे लगने वाला जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ ये रिलेशन होल्ड करता है, देन दैट ऑसिलेटरी इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ऑसिलेटरी के SHM होते हैं, तो आंसर है नहीं, ऑल ऑसिलेटरी आर नॉट SHM, बट ऑल SHM आर ऑसिलेटरी, क्योंकि SHM क्या है, एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है। SHM क्या है, एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है, दैट ऑसिलेटरी इन विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, देन दैट ऑसिलेटरी इज कॉल्ड एज SHM। तो अगर हम छोटी छोटी बातें बोलें कि ऑल ऑसिलेटरी आर SHM, फॉल्स, एन ऑसिलेटरी कैन बी SHM, ट्रू, All SHM are oscillatory, true. And SHM can be oscillatory, false, because SHM is always oscillatory. Simple है ना? ठीक। ये तीन चार बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? तो अब हमें अपने क्वेश्चन पे जाना है, जहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि मोशन का, चार्ज के मोशन का नेचर क्या है, ऑसिलेटरी है वगैरह वगैरह। तो बच्चों उसमें आप एक पॉइंट देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन कि इट इज SHM बट नॉट ऑसिलेटरी। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है इट इज SHM बट नॉट ऑसिलेटरी, क्या ये पॉसिबल है? तो थर्ड ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई मोशन SHM है तो वो ऑसिलेटरी तो होगा ही होगा। तो थर्ड ऑप्शन जो कह रहा है
SHM but not oscillatory, that is not possible. तो बचे कौन से ऑप्शन? चार ऑप्शन बचे. पहला ऑप्शन है ऑसिलेटरी बट नॉट SHM, दूसरा ऑप्शन SHM एंड ऑसिलेटरी, और तीसरा तो पॉसिबल ही नहीं है. चौथा कह रहा था नाइदर SHM नॉर ऑसिलेटरी. तो अब एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक है? ये होपफुली आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो फटाफट नोट कर लो. दीज आर द कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी एंड SHM, डिफरेंशिएट करने के लिए कंडीशन है, इनको आप नोट कर लीजिए. अब क्वेश्चन को देखो. क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिंग है, ये रहा माइनस क्यू और यहां पर है बच्चों प्लस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन. क्या हुआ? ये फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, हाँ लग रहा है. फोर्स कितना होगा? तो कह दो सर एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है, क्योंकि ई इज इक्वल एफ बाई क्यू होता है. तो एफ बाई क्यू से एफ बराबर क्यू इंटू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो. चार्ज अभी कहां पर है? एक्सिस पर. तो ये ई कौन सा होगा? एक्सिस वाला होगा. एक्सिस पे ई का फॉर्मूला पता है? यस सर पता है. क्या है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. क्या इस चार्ज का माइनस साइन यूज करोगे? नहीं, चार्ज का साइन यूज कभी नहीं करते हैं. फोर्स का रिजल्ट बन गया के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. और हमें मालूम है इंटेंसिटी किधर थी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग रहती है. तो जाहिर सी बात है फोर्स वो भी किधर है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग. और क्योंकि ये चार्ज फ्री टू मूव है, इट कैन मूव, ये फ्री है एक्सिस पे चलने के लिए, तो चार्ज इधर चलेगा बिकॉज अट्रैक्शन लग रहा है. तो चलते चलते जब यहां पहुंचेगा तो हमें मालूम है कि बच्चों सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो. तो जैसे ही सेंटर पहुंचेगा फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो. लेकिन क्योंकि चार्ज यहां से खींच करके एक्सिलरेट होता जा रहा है, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है. और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी यहां पर है मैक्सिमम. वेलोसिटी है मैक्सिमम. वेलोसिटी मैक्सिमम है लेकिन फोर्स जीरो है. क्यों जीरो है? क्योंकि फोर्स होता है क्यू ई और सेंटर पे इंटेंसिटी है जीरो. तो जब सेंटर से चार्ज पास कर रहा था उस वक्त फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा. जब द मोमेंट इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर फोर्स इज जीरो. और जब फोर्स जीरो है तो चार्ज यहां रुकेगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम. तो चार्ज ओवरशूट करेगा, आगे निकल जाएगा. जब चार्ज आगे निकल जाएगा बच्चों यहां पर पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है फिर से फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड द सेंटर. चार्ज जा रहा है आगे की तरफ और फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ. और चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेलोसिटी इसकी फिर से क्या हो जाएगी? जीरो. और फिर से चार्ज एक्सेलरेट होगा वापस सेंटर की तरफ, फिर यहां रुकेगा नहीं, आगे निकल जाएगा. फिर इस तरह से ये इस लाइन पे मोशन कर रहा होगा. तो मैं देख रहा है मोशन कैसा हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ दिख रहा है. स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ दिख रहा है. तो क्या ये ऑसिलेटरी है? हाँ ये ऑसिलेटरी है, क्योंकि इस पे एक री स्विंग फोर्स भी लग रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में भी है. ठीक,
अब सवाल ये, क्या ये SHM है या नहीं, कौन सा ऑप्शन टिक करना है? तो ध्यान से देखो बच्चों, द मोशन इज ऑसिलेटरी, ये कंफर्म हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू कंफर्म, ये कंफर्म होगी बात, द मोशन ऑसिलेटरी, बट SHM है कि नहीं इसको कंफर्म करना है। तो देखो, जहां इधर रहा है फोर्स, इधर लग रहा है, तो इस वजह से एक्स के हिसाब से फोर्स उल्टा है, तो माइनस साइन लगा सकते हो, क्योंकि फोर्स लग रहा है पीछे, जा रहा आगे, जा रहा इधर, फोर्स लग रहा है इधर, तो कुल मिला क्या है ये, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन लगा सकते हैं। ठीक है, अब SHM है या नहीं ये डिसाइड करना है हमको। तो हमने पढ़ा, अभी देखा कि SHM तभी होगा जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जब फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तभी इस मोशन को हम SHM कहेंगे, और माइनस साइन लगे हुआ लगा दो। ठीक, तो क्या ये रिलेशन इसके साथ मैच कर रही है? तो कुछ लोग कह सकते हैं हाँ सर मैच कर रही है, देखिए सर एक्स यहाँ लिखा हुआ है, कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ एक्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ भी तो एक्स लिखा हुआ है। क्या इस तरह की पूरी पूरी रिलेशन के साथ ओबे हो रही है? तो कहोगे नहीं, पूरी पूरी तो ओबे नहीं हो रही है। तो बस यही रीजन है कि जब ऐसा हो रहा है कि आपके रिलेशन यहाँ पे एक्स के प्रोपोर्शनल तो है, साथ नीचे भी एक्स लिखा हुआ है, यानी कि आपकी ये रिलेशन एक्चुअली पूरी ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम क्या बोलेंगे कि मोशन ऑसिलेटरी तो है बट नॉट SHM, दिस मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। ठीक, क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा था व्हाट इज नेचर ऑफ मोशन, था ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। दूसरा ऑप्शन था इट इज ऑसिलेटरी एंड SHM। तीसरा ऑप्शन था इट इज SHM बट नॉट ऑसिलेटरी, और चौथा था नाइदर SHM नॉर ऑसिलेटरी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, द मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। व्हाई इट इज नॉट SHM? बिकॉज फोर्स जो है केवल और केवल एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, साथ में नीचे भी एक्स लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका टिक कर देंगे, रीजन आपके पास है, ऑसिलेटरी और SHM में डिफरेंस भी आपको पता है। अब आता है इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है, फॉर वॉट कंडीशन द मोशन विल बी SHM। किस कंडीशन के लिए मोशन SHM हो सकता है? ठीक है, तो समझो, एस अभी फोर्स आपने देखा के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और माइनस हमने से लगा दिया था, जा इधर रहा था फोर्स लग रहा था, जा इधर फोर्स लग रहा था, तो अपोजिट नेचर था। अब अगर हम इसको ऐसे कहें या देखें समझें, ये इसका रेडियस है आर, SHM कब होगा? तो जाहिर सी बात है SHM तभी होगा जब x के ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और x के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तब हो जब यहाँ नीचे x ना हो। x ना हो का मतलब क्या हुआ कि r स्क्वायर के सामने x की वैल्यू बहुत कम हो, यानी कि जो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल ऐसे से SHM कर रहा था, इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्सिस से, ये बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, यानी यहाँ कहीं होना चाहिए, ये इतना जरा सा। और अगर ऐसा होगा तब इतने ही जरा से जगह पे जब ऐसे जब मोशन करेगा ऑसिलेटरी, तब यानी जब एक्स इज मच मच लेस देन आर, इस कंडीशन के लिए, फॉर दिस कंडीशन, यानी कि व्हेन एक्स इज मच मच लेस देन आर, देन आपका एफ क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन, ये नेगेट हो गया, क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा,
और ध्यान से देखो के क्यू क्यू आर ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ये सब कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं सो अब हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि नाउ इट विल बी एस एच एम, नाउ द मोशन विल बी एस एच एम। अब ये क्या कहा जा सकता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई क्या हो गई, एस एच एम कंडीशन क्या हो गई बच्चों, कि जब तुम्हारा इसको एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर भी कह सकते हैं, तो जब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर बहुत छोटा है तब इसके मोशन को हम एस एच एम कह सकते हैं, क्योंकि उस केस में एक्स स्क्वायर को आर स्क्वायर सामने नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक, ये बन गया इसका थर्ड पार्ट, याद रखना दिस इज द कंडीशन फॉर एस एच एम। ठीक, इसको देख लो, फिर आता है थर्ड पार्ट। और उसका थर्ड पार्ट, थर्ड एंड लास्ट, इफ मास ऑफ माइनस क्यू चार्ज इज स्मॉल फॉर एक्स मच मच लेस देन आर, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज। कुछ ज्यादा सोचने के बच्चे सोच रहे थे सर आपने यहाँ ऑसिलेशन लिख दी रखे हो तो एस एच एम है, तो अभी हमने क्या बताया था कि ऑल एस एच एम आर ऑसिलेटरी मोशन, एक एस एच एम करती बॉडी को हम कह सकते हैं इट इज ऑसिलेटिंग अंडर द कंडीशन एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ऑल एस एच एम आर ऑसिलेटरी। ठीक है, तो अगर एस एच एम को कोई ऑसिलेटरी कह रहा है कि ऑसिलेट कर रहा है कितने टाइम पीरियड से, तो वो कह सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज, तो एक बात याद रखो या आपको याद रखना पड़ेगा, 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है छोटा सा, एज फॉर एस एच एम के लिए बच्चों याद रखो जो एक्सेलरेशन होता है, एस एच एम करना है बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट रिलेशन होल्ड करता है, ये बात आपको याद रखनी है। ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या ओमेगा स्क्वायर वाई या ओमेगा स्क्वायर जेड, वॉट एवर, हमेशा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू द डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा आपको मालूम है ओमेगा होता है 2π/T या 2π f कह सकते हो, कैपिटल ने टाइम पीरियड है, f क्या है फ्रीक्वेंसी, तो ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्या पता हमको, हमें पता है कि एज फॉर एक्स की वैल्यू लेस देन आर के लिए एज फॉर एक्स
मच मच लेस देन आर, इसके हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, एफ इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्सिलरेशन। तो हमें मालूम है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो जो आपका फोर्स का फॉर्मूला, उसको आप मास से डिवाइड कर दीजिए, एक्सेलरेशन बन गया माइनस के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू इंटू एक्स। अब इस रिलेशन को जो आपके सामने है इस चार्ज के लिए, इसको आप कंपेयर कर लेंगे किससे, इससे। तो क्या लिखेंगे लास्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में, कंपेयरिंग विथ ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसके इसको कंपेयर किया तो ए ए माइनस माइनस यानी ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा हमारे सामने के क्यू क्यू बाय एम आर क्यू। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, लगभग समझो बस करना है क्या, थोड़ा लिखना है क्या, क्योंकि सो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू, उसके बाद ओमेगा का रूट लगा के 2π/T कैपिटल टी निकाल सकते हैं। इतना नोट कर लो और उसको देख लेते हैं। ये था इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट, टाइम पीरियड निकालना। तो रिजल्ट आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू। ओमेगा क्या हो गया, अंडर रूट के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू, और ओमेगा है क्या, ओमेगा है 2π/T अंडर रूट के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू। कैपिटल टी क्या आ गया बच्चों, 2π अंडर रूट एम आर क्यूब अपॉन के क्यू, ये आ गया टाइम पीरियड जो कि हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछ सकने पूछ लेता तो कोई बात नहीं, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। कहीं कुछ और फॉर्म तुम्हें दिखाई पड़े तो कोई और फॉर्म का मतलब बस इतना होता है कि वो के की वैल्यू को भी रिप्लेस कर देगा, तो इससे थोड़ा रिजल्ट बड़ा सा बन जाता है, 1/4π ऊपर आ जाएगा, वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेना किसके फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, फिलहाल ये आपका आ गया आंसर। फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे, टाइम पीरियड गिरेगा, 1/3 कर देंगे, एफ आ जाएगा। तो दैट वाज द लास्ट पार्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं तो आप याद रखेंगे, ग्रेविटेशन में भी आ सकते हैं, तो उसे याद रखेंगे कि बच्चों ऑसिलेटरी SHM को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रीस्टोरिंग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, देन इट इज SHM, अदरवाइज इट इज ऑसिलेटरी ओनली, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, होपफुली बात पूरी समझ में आ गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए करवा दे रहे हैं, हालांकि आपसे कर सकते हैं मालूम, लेकिन फिर भी या इसको असाइनमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको असाइनमेंट क्वेश्चन के तौर पे आप करेंगे। इफ टू रिंग्स हैविंग चार्ज क्यू एंड फोर क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक, दो रिंग है तो चार्ज क्यू और फोर क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर एट अ सेपरेशन ऑफ आर एट अ सेपरेशन ऑफ 4 meter, ठीक, placed parallel to each other, if radius of each ring is 3 meter, find the work done in shifting a charge small q from the center of first ring, यानी जिस पे चार्ज किए हुए, to the center of the third ring, center of the second ring. ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा फाइन डिटेल्स का ध्यान रखिएगा। ये दोनों रिंग एक दूसरे के पैरल रखी हुई है, इस रिंग पे भी चार्ज कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल क्यू, इस पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 गुना 4 क्यू, इनके सेंटर्स में C1 और C2 के बीच में डिस्टेंस बच्चों 4 मीटर, और इन दोनों का रेडियस इक्वल है 3 मीटर 3 मीटर। तो एक चार्ज स्मॉल क्यू को सेंटर ऑफ 1 से सेंटर ऑफ 2 तक ले आने में किया गया वर्क डन बताना है। तो दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करेंगे बच्चों, और इसको ट्राई करके इसका सॉल्यूशन का फोटो खींच के हमें आप व्हाट्सएप करेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, टू रिंग्स हैविंग चार्जेस क्यू एंड फोर क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एट अ सेपरेशन ऑफ 4 मीटर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, इफ रेडियस ऑफ ईच रिंग इज 3 मीटर, फाइंड अ वर्क डन इन शिफ्टिंग ऑफ अ चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट टू द सेंटर ऑफ द सेकेंड रिंग। डायग्राम हालांकि इसमें दिया नहीं गया था, हमने आपको डायग्राम दे दिया है। दोनों रिंग पैरेलल है, दोनों के सेंटर्स का सेपरेशन 4 मीटर है, दोनों के रिंग का रेडियस 3 मीटर ईच है। इसको लिख लीजिए, अब वर्क डन क्या होता है पहले भी तुम्हें बता चुके हैं वर्क डन के बारे में, तो उस वक्त आप दिमाग लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिख लिया और डायग्राम और क्लियर कर दें एक बार और बना दें।
ये डायरिया, इसको यहां से खिसका के यहां पहुंचा दिया, तो वर्गमूल बताना है कि ये डिस्टेंस है 4 मीटर, दोनों का रेडियस है 3 मीटर। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग हो रही है इसलिए। अभी गॉस थ्योरम तेरे बच्चों लोग पहुंच जाएंगे, गॉस थ्योरम में वहां पे बात करेंगे कि यही रिंग जिसको आप इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दे रहे हैं पूरी रिंग में, इसी में कई टाइप आ जाएंगे, क्वार्टर ऑफ रिंग ले लेंगे हम, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर रिंग ले लेंगे, बहुत सारे केसेस बन जाते हैं जब इसके आगे हम पढ़ेंगे डायपोल। डायपोल के बाद आएगा गॉस थ्योरम, तो वहां पे इस रिंग को भी हम काटेंगे पीटेंगे और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलते हैं। फिलहाल आप इसको ट्राई कर लेंगे बच्चों और इसको लिख करके लॉग आउट कर लेंगे और हम क्लास स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का, और उसका अभी शेड्यूल आपको हम भेज देंगे, ठीक है, आपको व्हाट्सएप कर देंगे, इसको आप नोट कर लीजिए और ट्राई करके हमको इसका आंसर भेजिए।